अंकल, क्या तुम यहाँ के नियम कानून भूल गए हो? वो शहर के सारे कुंफू क्लब खरीद रहा है। हमें कुछ और पावरफुल सीखना होगा उसको हराने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। बहुत अच्छे। वैसे अंकल, हम लोग यहां पर क्यों आए हैं? जब तुम अंदर कदम रखोगे तभी मुझे मास्टर बुलाना। मास्टर गु, ऐसा क्या है जो आपको यहां खींच लाया? मास्टर होंग, बड़े दिनों बाद मिले। बैठिए। आओ और चाय लो। पीछे खड़े हो जाओ। मास्टर, हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लब को चुनौती दे रहे जाओ। मास्टर गु, ऐसा लग रहा है कि गु बॉक्सिंग वापस आ गई है। नहीं, क्लब साफ कर रही है। ओह, कितनी चोट लग गई है तुम्हें। क्या तुम अभी भी कुंफू सीखोगे? नो, नो। लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा, फिर सेलान मुझे भी ऐसे ही दवाई लगाएगी। एक फ्राइड ब्रेड स्टिक देना प्लीज। कल तुमने सामने के बारे में क्या सोचा? असली लड़ाई ट्रेनिंग से अलग होती है। क्या फर्क है? मेरे मूव्स दिमाग जितना तेज नहीं चल रहे। जब तक मैं कुछ सोचता हूँ उनका पंच पहले आ जाता है, और ऊपर से मेरे हाथ में भी चोट लगी है। परफॉर्मेंस तो खराब हो गई। शेफ का एक पैर वास्तव में पूरी तरह से टूट गया है। क्या तुमने देखा है कभी? शुक्रिया। तुम्हें कुंफू क्यों सीखना है? ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। और उसके बाद क्या करोगे? आजाद होना है। पुराने शिष्यों की तरह नहीं बनूंगा। मास्टर, क्या आप सच में उसे अपना शिष्य बनाने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? शुरुआत में मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। वो बेहद उदास दिखता था, पर हालांकि अब वो बदल गया है। अब वो बहुत पॉजिटिव दिखता है। सच में वो मरीजों को लाने में अब वक्त नहीं लगाता। अब वो बहुत
जिद्दी हो गया है। हाँ? तुम्हारे पास काफी अच्छी बातें हैं। नहीं, वो बहुत ही कुंफू किस्मत का दूसरा नाम है। कुछ लोग सीखते हैं पर वो समझ नहीं पाते, कुछ लोग सीखते नहीं है पर वो पहले से ही उसमें होते हैं। आइए। तीनों के साथ लड़ो। देखो जरा इसको, तुम सीखना चाहोगे कुंग-फू? अगर सिलान ऐसे दवाई लगाएगी तो सोच सकता हूँ मैं इस बारे में। अच्छा लग रहा है। बहुत हो गया, चले जाओ। चल बाहर। सुनो, तुम इतना मार खा के आए हो फिर भी हंस रहे हो। मास्टर ने ये मेरे लिए ही तो किया है। सिलान, तो मुझे बताओ ना, उस छात्र ने क्या किया था? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटी थी तब मास्टर ने गोद लिया। मैं 4 साल की थी जब वो यहाँ था। मुझे बस इतना याद है कि मास्टर सख्ती से पेश आते थे, पर उतना ही वो और विद्रोही हो जाता था। उस समय गू बॉक्सिंग मशहूर हुआ करती थी। वो हर वक्त झगड़ता था, लोगों को चोट पहुंचाता। वो सब हमारे क्लब आकर मास्टर पर इल्जाम लगाते। कई सारे कुंग-फू क्लब यहाँ आकर गए हैं, तुम्हें अब भी लड़ना है? तुमने गंदा पैसा कमाने के लिए गंदी बॉक्सिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसे ये शहर छोड़ना था। मास्टर ने कहा अगर वो जाना चाहता है तो उसे गो बॉक्सिंग छोड़नी होगी या उन्हें हराना होगा। आखिर में मास्टर हार गए और वो चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से मास्टर अब नहीं सिखाते हैं? उनकी प्रतिष्ठा खो गई है ये वो जानते हैं, तो उन्होंने क्लब बंद कर दिया। वास्तव में इतने साल वो बहुत ही शर्मिंदा है। समझ सकता हूँ, हर कोई कहानी नहीं बता पाता। नदी के अंत तक चले जाना और अच्छी उम्मीद रखना। तुम ज्यादा मत सोचो, इस सब से तुम जरूर बाहर आओगे, मुझे भरोसा है। हाँ, अभी भी साइकिल चलाती हो? फिर से कहने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। हाँ? आराम से सीधे जाओ, बैलेंस बना के रखो। बहुत बढ़िया। मुझे छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा। चलते रहो। अच्छा करी हो तुम, वेरी गुड। हाँ ठीक है, उस दिन मैं पानी में गिर गई क्योंकि तुम मेरे बीच में आए।
तुमने करके दिखा दिया। हाँ, मैंने करके दिखाया। आराम से, धीरे धीरे धीरे। मास्टर गु, काफी समय से आपको नहीं देखा है। मास्टर मो, मैं अपने साथी शिष्य को मो बॉक्सिंग को चुनौती देने के लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं। बधाई हो मास्टर गु, आपका शिष्य वाकई बहुत अच्छा है। मास्टर माओ, ठीक है, फिर मिलते हैं। सितारा शेन ज़ाइकेंग ने लगातार 9 शानदार जीत हासिल की है। आज रात के अंतिम खेल में ज़ाइकेंग शायद जाने माने खिलाड़ी जैक के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ज़ाइकेंग अब तक के मैच जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। जी, चाहे जो हो जाए मैं उसका हौसला बढ़ाऊंगी। ओके बाय। तुम तैयार हो? तुम्हें तैयार होना चाहिए। टेंशन मत लो, मैं ही जीतूंगा। बासु, तुम जानते हो ना वो किसके लिए चेयर कर रहे हैं? मेरे लिए बिल्कुल, और क्या। चेयरिंग सिर्फ जीतने वाले के लिए होती है। हमारे समझौते के अनुसार अगर तुम जीते तो तुम्हें 1,000,000 आरएमबी बोनस मिलेगा। जाओ और जाकर मजे करो। ज़ाइकेंग अभी तक कोशिश कर रहे हैं पर वो अच्छे अवसर की तलाश में है। एक और पंच। जैक का पंचिंग स्पीड बहुत ही तेज और मजबूत है। वो उसे मारने के लिए ज़ाइकेंग की ही तरकीब का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ाइकेंग ने सामना किया।
उसे एक पॉइंट की बढ़त मिल गई। टिफिन भाई चलते रहो। कम ऑन कैंड। और इस प्रकार जैकिंग हार गए और नए चैंपियन है जैक। कुंग फू का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से इसका मतलब है ताकतवर होना, और इस बात का एहसास मुझे आखिरी क्षणों में हुआ। पिछली बार जब तुम आए थे तब तुम छोटे बच्चे थे, अब तुम बड़े हो गए हो। यही वक्त है तुम्हारे चाचा से मिलने का। वो एक विख्यात ऑर्थोपेडिस्ट है। पहले अपना हाथ ठीक करवा लो, फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। शायद कुछ ऐसा हो जिससे तुम चौंक जाओ। Excuse me, आप बताएंगे गू क्लिनिक कहाँ है? गू का क्लिनिक? जी, सीधे चले जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है।
एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर गू का क्लिनिक है ना? हाँ। एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर से मिलना है? नहीं, मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना है, मुझे अपने अंकल से मिलना है, मिस्टर गू जैन। अंकल? चलो पीछे आओ मेरे। परेशान ना हो। अब दर्द नहीं होता मास्टर गु। हो गया। एक मिनट रुको, मास्टर पेशेंट देख रहे हैं। हाँ। मैं फू को तुम्हारी दवाइयाँ बनवाने के लिए बोल देता हूँ। अच्छा, याद से दिन में दो बार लेना, तुम्हें हफ्ते भर में ठीक होना है। समझे? थैंक यू मास्टर गु। द मास्टर, मरीज को अपने घर छोड़ दो। जी, आइए आराम से, आराम से। तुम यहाँ? माँ ने यहाँ आने के लिए कहा था। तुम जायके हो? जी। यहाँ बैठो। तुम यहाँ रह सकते हो काम करते हुए। काम? लेकिन कैसे? हाँ, एक सहायक की तरह इनकी मदद करो। सिलान? हाँ आई। सिलान, 10 ग्राम कार्थामस टिंक्टोरियस एंजेलिका सिनेसिस, 25 ग्राम 15 ग्राम लिग्नम मिलेटिए, सबका पाउडर बना के 20 पैकेट में भर दो। और याद रखना कि सुबह शाम एक एक पैकेट लेना है। अब जाओ ना। आज से ही शुरू करते हैं। पहले तुम्हारे शरीर पर ध्यान देते हैं। याद रखना, सारी दवाई सही समय पर लेना। आ जाइए। आज से तुम ये रूम मेरे साथ शेयर करोगे। तुम्हारा बेड लेफ्ट में है। एक बात और, मेरा नाम डा है और ये है फू। हे जाइकेंग, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? रिंग में चोट लगी थी मुझे। क्या बात है, क्या बात है यार, तुम एक बॉक्सर हो? मुझे भी बॉक्सिंग बहुत पसंद थी। ये देखो अपने आप को, तुम बहुत ही पतले हो। तुम्हारे पंच मारने से पहले हवा ही तुम्हें नीचे गिरा देगी। अगर तुम स्ट्रांग हो तो कोई तुम्हें नहीं गिराएगा, लेकिन एक बात और है, अगर पंच लग गया तो खड़े भी नहीं हो पाओगे। मैंने ये थोड़ा कहा कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। ऐसे बात कर रहे हो। तुम लोग मुझे थोड़ा रेस्ट करने दोगे प्लीज? सॉरी। तुम बेकार हो, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कैंग, खाने का वक्त हो गया। मुझे भूख नहीं है। समझ रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पसंद का कॉन्गी बनाया। कहा ना भूख नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम फाइट नहीं कर सकते। क्या कह रही हो तुम ये? मतलब अब से बॉक्सिंग बंद। उसके बगैर मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या कहा तुमने? कृपया विल दीजिए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। एक चीज के बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट नंबर 4 के अनुसार अगर शेन जाइकेन एमएमए मैच हार जाता है तो उसे सू कंपनी को नुकसान भरपाई देनी होगी, उसके प्रमोशन और प्रशिक्षण के लिए 1 मिलियन RMB। बॉस, सुने मुझे कुछ नहीं बताया था कि हारने पे ये सब करना होगा। हेलो, जोंगी एजुकेशन से बात कर रहे हैं? अभी भी वहाँ हायरिंग चल रही है क्या?
माफ करना, हमें कोई सेल्स में काम करने वाला चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, अगर तुमने वक्त के पहले पैसे नहीं भरे तो भुगतान 3 गुना ज्यादा होगा, मतलब 3 मिलियन आरएमबी। ये तो तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। ज़ाइकेंग, ऐसा लग रहा है कि तुम पैसे नहीं दे सकते। मेरे साथ मजाक मत करो, इतना पैसा मैं कैसे दे पाऊंगा तुमको। एक बात और है, तुम्हारे पास 12 बजे तक वक्त है, ये तुम्हारी फाइनल डेडलाइन है। तुम्हारे पास 1 घंटा बाकी है, उसके बाद नुकसान की भरपाई 3 गुना हो जाएगी, फिर ये कौनजी बार तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम्हारी कोई और जमीन है क्या? शायद तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। कैंग, कैंग, तुमने इसे क्यों मारा? बकवास। गिरवी रखने के लिए कुछ तैयार रखना। इसे थोड़े ही दिन हुए यहाँ आए, मगर ये बहुत कम बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको काफी तगड़ा झटका लगा है। झटका? किसकी वजह से? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जो ये झटका है ना, ये लगता है दो कारणों से। कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हें कुछ काम दो। चल 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 चल। सुनो तुम अंदर आ जाओ। तुम ठीक हो जाओगी माँ। हेफू जी, उन्हें घर ले जाओ। आया। चलिए दादी माँ। हाँ संभल के। आराम से। क्यों मास्टर गु? चलिए। ध्यान रखना फू। आराम से। चलिए धीरे से लेकर जाऊंगा। आपको दवाइयां समय पर लेनी चाहिए, ठीक है? लगता है काफी थक गए हो तुम, ये लो। आराम से पियो, आराम से। ए, एक बात पूछनी है, मेरे अंकल सभी मरीजों को तुम्हारी पीठ पे क्यों भेजते हैं? वो क्योंकि हमारा क्लिनिक अलग अलग फ्रैक्चर्स के इलाज में माहिर है। ये जो लोग आते हैं वो बुजुर्ग या टूटे पैरों वाले आते हैं। शहर के रास्ते पत्थर के बने हैं तो वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती ना, इसीलिए हम उन्हें कंधे पर उठाते हैं। तुमको तो काफी पसीना आ रहा है, काफी थकान हो जाती होगी ना? मुझे इस सब की आदत हो गई है। पीक टाइम के दौरान मैं सुबह से शाम तक ऐसे दौड़ता हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ 2 साल से हूँ। हेफू आया। मास्टर इस मरीज को ले जाओ। जी मास्टर। चलिए। हाँ, आराम से। आराम। थैंक यू। आइए। थैंक यू मास्टर गु। हाँ, जरा संभल के जाना। कितने आलसी हो तुम, अगर नहीं करना चाहते तो मत करो ना, नाटक करना बंद कर दो ना। मुझसे बात कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है और किससे? देखो जो हुआ उसके लिए माफी मांग चुका हूँ, मुझसे ऐसे बात करना ठीक नहीं है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ क्यों कुछ करूँ? माफ कर देना। शेन ज़ाइकेन, तुमने जानबूझकर किया। तुम्हें जो सोचना है सोचो। Thank you.
आज हम लोग पहली बार एक साथ खाना खाने बैठे हैं, कितनी अच्छी बात है ना। चलो एक टोस्ट करते हैं। चलो 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 चलो। जाइकेंग, तुम इतने उदास क्यों हो? हमेशा उदास दिखते हो। मैं पीते वक्त ज्यादा बात नहीं करता हूँ। हाँ। देखो दोस्त, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन ठीक हो जाएगा सब। अरे वो क्या कहावत है, हंसने से मोटापा आता है। फूको देखो जरा तुम, क्या सही एग्जांपल है। हाँ हाँ, मुझे देखो। सिलान हमेशा ही कविता किसी के बारे में बोलती है। क्या थी वो कविता? नदी के अंत तक चलते हुए बादलों के छटने का इंतजार रहता है, समझे? हाँ हाँ, तुम इसे पार कर लोगे। थैंक यू दोस्त। अरे अरे कोई बात नहीं, खुश रहा करो। ऐसी बकवास चीजें हमेशा होती रहती है। अगर तुम खुश रह सकते हो तो मैं मानती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा, आरएमबी को इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगा? उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, मैंने सेविंग्स किए हैं। इसके अलावा मैं कोंगी बार बेचने की सोच रही हूँ। मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मुझे अब ब्रेक लेना चाहिए। अगर ये कम पड़ता है तो हमारे पास ये घर है बेचने के लिए। क्या कह रही है, ये पिताजी की छोड़ी हुई आखिरी निशानी है। ये बहुत जरूरी है, पर सबसे सुंदर तोहफा तुम्हारे पिता ने मेरे लिए छोड़ा है, वो तुम हो। जैक, जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो अब शुरू कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर। एक महीने के अंदर फिशान टाउन के सभी कुंगफू क्लब्स मेरे नाम हो जाएंगे। तुमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हैं, क्या तुम अब भी प्रैक्टिस करते हो? मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। कॉन्फिडेंस ताकत के आधार पर आधारित होता है। जी मास्टर, मैं याद रखूंगा। जैक, ये तुम्हारे लिए एक असली चुनौती है। जाओ तैयारी करो, फिशान टाउन चले जाओ। वो बड़े लोग जो हमसे कॉपरेट नहीं करते, अब सब तुम पर है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर। जाओ। मास्टर गु कहा है, उन्हें बाहर आकर माफी मांगने को कहो। वो मेरे छोटे भाई का हाथ ठीक नहीं कर सके और अब वो छिप कर बैठना चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो, उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बस उनको बदनाम करना चाहते हो। मास्टर गु किस तरह के इंसान है ये शहर के सब लोग जानते हैं। वो हारे हुए इंसान है, इस घर के पीछे छिप रहे हैं। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। फिर से बोल के दिखाओ। मारो उन्हें। चले जाओ, निकल जाओ, चले जाओ। अपने छोटे भाई से कहो, चारों ओर घूमने से दवाई का असर कम होगा। अगर उसे अब भी अपना हाथ ठीक ठाक चाहिए तो वो दूर रहे। चलो। क्या तुम दोनों को पता था कि अंकल गो कुंग फू जानते हैं? तुम्हें ये नहीं पता कि उन्होंने गो बॉक्सिंग की शुरुआत की यहाँ पर?
कू बॉक्सिंग? इसको कुछ भी नहीं पता है। कू बॉक्सिंग यहाँ के लिए एक बहुत ही फेमस खेल है जो सबसे खतरनाक और मुश्किल था। अरे दोस्त, एक टाइम पे इसको नॉर्थ की जिंगी बॉक्सिंग से कंपेयर करते थे। ये तुम सच कह रहे हो क्या? अरे बेशक यार। तभी मैं सोचूं कि मेरी माँ ने मुझसे अंकल से कुंग फू सीखने के लिए क्यों कहा था। उसके बारे में सोचना भी मत। मास्टर अब किसी को कुंग फू नहीं सिखाते। लेकिन क्यों? मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे भी नहीं पता है। मैं यहाँ फू के साथ ही आया हूँ। मुझे नहीं पता। मैंने इस बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। मेरे यहाँ आने से बहुत पहले की बात है, मास्टर का एक बड़ा शिष्य हुआ करता था। धोखा देकर उसने मास्टर को बहुत दुख पहुँचाया, इसलिए मास्टर ने कुंग फू सिखाना बंद कर दिया। उस समय अंकल को भी चोट लगी थी। वो स्टूडेंट काफी स्ट्रांग रहा होगा। ए, सिलैन बचपन से मास्टर जी के साथ रही है, शायद उसको इस बारे में जरूर कुछ बताओ। ए, अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे करने दो ये। सिलान, मैंने सुना है कि तुम बचपन से ही मास्टर जी के साथ रही हो, तुम्हें उनके बारे में काफी कुछ पता होगा। दरअसल सिलान, बात यह है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पर क्यों? जब तुम पानी में गिरी तो मैं मदद कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। मैंने कुछ भी नहीं देखा था सिलान। खाना मुफ्त का नहीं मिलता, तुम जरूर कुछ करोगे। बस एक बात पूछनी है, मुझे जानना है कि अंकल वाकई कुंग फू नहीं सिखाते हैं? हाँ या ना, उससे तुम्हारा क्या मतलब? मुझे कुंग फू सीखना है। तुम्हें? बेहतर होगा तुम सोचो भी मत। ये सब उस पुराने छात्र की वजह से हुआ ना? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जाइकेंग, यहाँ आओ, बैठो। क्या तुमने सारी दवाई ले ली? आखिरी दवा भी खत्म कर दी है। अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं। क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अपने घर जा सकता हूँ? हाँ? क्या तुम वापस जा रहे हो? हाँ, ताकि जो खोया है मैं उसे वापस पा सकूं। क्या खोया है तुमने? अंकल, मुझे कुंग फू सीखना है। लगता है तुम अब ठीक हो गए हो, तो मुझे मेरे बिलों का भुगतान कर दो। आपके बिल? मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तुम्हारा जीवन यापन भी नहीं कर सकते, कुंग फू को भूल जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। तुम क्लिनिक के लिए काम करोगे, मरीजों को उनके घर ले जाओगे। पहले मेरे बिलों का भुगतान कर दो, फिर यहां से चले जाना। इससे कोशिश करो जी। ठीक है ना? जाइकिंग, जाइकिंग, इस मरीज को अपने घर पहुंचा दो। अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दाहिने हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है। जब तक तुम वापस आओगे, मैं सिलन को बोलकर तुम्हारी और दवाई बनवा देता हूँ।
ये क्या कर रही हो तुम? बैड मैनर्स। क्या मतलब है इसका? हे सिलान, मुझे बताने दो। तुम बैठ नहीं सकते, तुम खा नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे भूख लगी है और मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बात नहीं समझ रहे हो यार। अभी तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। मास्टर के आने के पहले तुम बैठ नहीं सकते हो, उनके आने के पहले खा नहीं सकते हो। लाओ ये मुझे दो, दो मुझे। सच कह रहे हो? खड़े हो जाओ। चलो खाते अंकल। मैं आज पेशेंट्स को उनके घर लेके गया था। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब मेरे हाथ में भी दर्द नहीं है। अब आप मुझे कुंग फू सिखा सकते हैं ताकि मैं घर जा सकूं। मेरे प्यारे अंकल, मैं सारे बिल भर दूंगा आपके। सच कह रहा हूं, जब मैं पैसे कमाऊंगा सब चुकता कर दूंगा। वापस जाकर तुम क्या करोगे? अब आप तो कुंग फू सिखा नहीं रहे, तो वापस जाकर के बॉक्सिंग ही करूंगा। बॉक्सिंग? लेकिन किस लिए? ताकतवर बनने के लिए। सब तुम्हारे ऊपर है, रोका नहीं है। दा, चलो वांग फुई हुंग देखते हैं। अरे लेकिन मैंने आईपी मैन देखने का सोचा है। लेकिन वांग फुई हुंग अच्छी पिक्चर है। अरे लेकिन वो बहुत पुरानी पिक्चर है, आईपी मैन लेटेस्ट मूवी है यार, मजा आएगा। वांग फुई हुंग बहुत अच्छा है, मजे करो। कैंग, कैंग, तुमने इसे क्यों मारा? अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करेंगे। बकवास। ये रहे 1 मिलियन आरएमबी। मिस्टर लिन चाहते हैं कि तुम जॉय से हमेशा के लिए दूर रहो। बस इतना ही, अलविदा। मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैं वापस जाकर अभी के अभी जो खोया है उसे पाकर रहूंगा। मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अभी तक जगे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है? अंकल, हाथ ठीक करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे बदला लेना है, जिसके लिए मुझे घर जाना होगा। बदला? मैं यहां छोटी सी जगह पे हूं। आप नहीं जानते मैं कितना शर्मिंदा हो चुका हूं। लगातार 9 जीत की थी और अचानक फाइनल में एक अनजान खिलाड़ी ने आके मुझे हरा दिया। बाद में मुझे पता चला कि मेरी कंपनी के साथ मिलके उसने मुझे धोखा दिया था। मेरा हार्ट टूट गया, मुझ पे 1 मिलियन का उधार था। मैं क्या कर सकता था? मैं असहाय महसूस कर रहा था अंकल। मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, जो खोया उसे वापस पाना चाहता हूँ। आज किसी के रोके से नहीं रुकूंगा मैं, आज जाके रहूंगा। तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है। क्या तुम वो पत्थर नहीं हिला सकते? एक पत्थर तक नहीं हिला पा रहे, बदला क्या खाओ लोगे? मैं शारीरिक शक्ति से नहीं जीतता हूं गेम। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम करोगे क्या? बॉक्सिंग दिमाग का खेल है। शक्ति की तुलना में सभी कौशल कुछ भी नहीं है। वापस जाकर तुम हारने ही वाले हो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा, मैं जीत के दिखाऊंगा।
मेरी माँ ने कहा था यहाँ पे आऊँ और आपसे मदद लूँ। मैं पता नहीं उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, लेकिन एक बात जानता हूँ, जब से आया हूँ आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है आखिर? तुम उसी की तरह हो। मेरे साथ चलो। मास्टर गो, सेम डिश लाऊं? हाँ दो लाना। ठीक है ठीक है। फ्राइड ब्रेस्टिक तैयार है। धन्यवाद। ज़ाइकेंग, काफी समय हुआ है तुम्हें फ्यूशन शहर में आए हुए। मैं तुम्हें शहर के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। आओ सुनो, 3 किलो नाशपाती देना छील कर। जी जरूर। वो पूरा होने तक यहाँ रुको और मेरे लिए चाय की दुकान पर लेकर आना। फ्राइड ब्रेड स्टिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुबह सुबह चाय पीना तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है। अरे आराम से पियो। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं गू बॉक्सिंग, जरा ध्यान से देखना। जाओ रोज सुबह 2 बाल्टी पानी लेकर आओ और फिर 10 बार गु बॉक्सिंग का अभ्यास करना, फिर हमारे लिए नाश्ता लेकर आना। जी हाँ मास्टर। मुझे मास्टर मत कहो, मैंने तुम्हें अपना शिष्य नहीं माना है। हाथों को ऐसा करो, ऐसे।
मैं डिलीवरी देने जा रही हूँ। तुम दोनों अलसी मत बनो। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए, सिलान, क्या आज तुम बाइक लेकर नहीं जा रही? उसके बारे में भूल जाओ। जल्दी जल्दी और तेज। मास्टर, अंकल, मैंने हर मूव करके देख लिया। मुझे लगता है एक महीने का कोटा हो गया है। आप मुझे आगे का कुंग फू कब सिखाएंगे? तो फिर आज नाश्ता करने बाहर चलते हैं। तुम वॉन्टन खाओगे? अंकल, मैं अब रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे चीजें याद भी रह रही हैं। तुम यह रोज फ्राइड ब्रेड स्टिक के लिए आते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता चला? हेड शेफ बहुत अच्छा बनाते हैं खाना। जब भी वो ब्रेड को तेल के अंदर सेकते हैं तो वो ब्रेड बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मेरा मुंह पानी से भर जाता है। अंकल, नाश्ते के पहले फल खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। सुनो, 5 किलो नाशपाती देना। कोई बात नहीं। जब तक छिलता है तब तक तुम यहीं पर रुकना, समझे? तुम्हें क्या पता चला? मुझे इसमें एक रिदम नजर आ रहा है। तुम्हारे चाल की तुलना में क्या वो ज्यादा लचीला है? हाँ। सुनो, मेरा नाश्ता लाना याद रखना। हाँ, सही कर रहे हो, लगे रहो। सू की कंपनी तो जबरदस्त है, वो शहर के सारे कुंगफू क्लब खरीद रहे हैं। मैं अमीरों को नहीं समझ पाता हूँ। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैंने हॉट पॉट रेस्टोरेंट खरीदे होते। तुम ना बस खाना सोचते और कुछ नहीं, बेवकूफ। जरा मुझे दिखाना। हट तेरी। वो कुंगफू जानते हैं। अंकल, क्या तुम यहाँ के नियम कानून भूल गए हो? वो शहर के सारे कुंगफू क्लब खरीद रहा है। हमें कुछ और पावरफुल सीखना होगा उसको हराने के लिए। तो क्या तुम तैयार हो? हाँ। बहुत अच्छे। वैसे अंकल, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? जब तुम अंदर कदम रखोगे तभी मुझे मास्टर बुलाना। मास्टर गू, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाया? मास्टर होंग, बड़े दिनों बाद मिले। बैठिए। आओ और चाय लो। पीछे खड़े हो जाओ। मास्टर, हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लब को चुनौती दे रहे हैं। रुक जाओ,
मास्टर गू, ऐसा लग रहा है कि गू बॉक्सिंग वापस आ गई है। नहीं, क्लब साफ कर रही है। ओह, कितनी चोट लग गई है तुम्हें। क्या तुम अभी भी कुंफू सीखोगे? लेकिन मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा, फिर सिलान मुझे भी ऐसे ही दवाई लगाएगी। एक फ्राइड ब्रेड स्टिक देना प्लीज। कल तुमने सामने के बारे में क्या सोचा? असली लड़ाई ट्रेनिंग से अलग होती है। क्या फर्क है? मेरे मूव्स दिमाग जितना तेज नहीं चल रहे हैं। जब तक मैं कुछ सोचता हूँ, उनका पंच पहले आ जाता है। और ऊपर से मेरे हाथ में भी चोट लगी है, परफॉर्मेंस तो खराब हो गई। शेफ का एक पैर वास्तव में पूरी तरह से टूट गया है, क्या तुमने देखा है कभी? शुक्रिया। तुम्हें कुंग फू क्यों सीखना है? ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। और उसके बाद क्या करोगे? आजाद होना है। पुराने शिष्यों की तरह नहीं बनूंगा। मास्टर, क्या आप सच में उसे अपना शिष्य बनाने वाले हो? तुम्हें क्या लगता है? शुरुआत में मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, वो बेहद उदास दिखता था, पर हालांकि अब वो बदल गया है। अब वो बहुत पॉजिटिव दिखता है। सच में वो मरीजों को लाने में अब वक्त नहीं लगाता, अब वो बहुत जिद्दी हो गया है। हाँ? तुम्हारे पास काफी अच्छी बातें हैं। नहीं, वो बहुत ही कुंफू किस्मत का दूसरा नाम है। कुछ लोग सीखते हैं पर वो समझ नहीं पाते, कुछ लोग सीखते नहीं है पर वो पहले से ही उसमें होते हैं। आइए।
तीनों के साथ लड़ो। देखो जरा इसको, तुम सीखना चाहोगे कुंग फू? अगर सिलान ऐसे दवाई लगाएगी तो सोच सकता हूँ मैं इस बारे में। अच्छा लग रहा है। बहुत हो गया, चले जाओ। चल बाहर। सुनो तुम, इतना मार खा के आए हो फिर भी हंस रहे हो। मास्टर ने ये मेरे लिए ही तो किया है। सिलान, तुम मुझे बताओ ना, उस छात्र ने क्या किया था? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई जरूरत नहीं है। मैं छोटी थी तब मास्टर ने गोद लिया। मैं 4 साल की थी जब वो यहाँ था। मुझे बस इतना याद है कि मास्टर सख्ती से पेश आते थे, पर उतना ही वो और विद्रोही हो जाता था। उस समय गू बॉक्सिंग मशहूर हुआ करती थी। वो हर वक्त झगड़ता था, लोगों को चोट पहुंचाता। वो सब हमारे क्लब आकर मास्टर पर इल्जाम लगाते। कई सारे कुंग-फू क्लब यहाँ आकर गए हैं, तुम्हें अब भी लड़ना है? तुमने गंदा पैसा कमाने के लिए गंदी बॉक्सिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। उसे ये शहर छोड़ना था। मास्टर ने कहा अगर वो जाना चाहता है तो उसे गो बॉक्सिंग छोड़नी होगी या उन्हें हराना होगा। आखिर में मास्टर हार गए और वो चला गया, फिर वापस कभी नहीं आया। तो क्या यही कारण है जिसकी वजह से मास्टर अब नहीं सिखाते हैं? उनकी प्रतिष्ठा खो गई है ये वो जानते हैं, तो उन्होंने क्लब बंद कर दिया। वास्तव में इतने साल वो बहुत ही शर्मिंदा है। समझ सकता हूँ, हर कोई कहानी नहीं बता पाता। नदी के अंत तक चले जाना और अच्छी उम्मीद रखना। तुम ज्यादा मत सोचो, इस सब से तुम जरूर बाहर आओगे, मुझे भरोसा है। अभी भी साइकिल चलाती हो? फिर से कहने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। आराम से सीधे जाओ, बैलेंस बना के रखो। बहुत बढ़िया। मुझे छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। चलते रहो, चलते रहो। अच्छा करियो तुम, वेरी गुड। हाँ ठीक है, उस दिन मैं पानी में गिर गई क्योंकि तुम मेरे बीच में आए। तुमने करके दिखा दिया। हाँ, मैंने करके दिखाया। हाँ, हाँ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, धीरे धीरे धीरे। मास्टर गू, काफी समय से आपको नहीं देखा है। मास्टर मो, मैं अपने साथी शिष्य को मो बॉक्सिंग को चुनौती देने के लिए लाया हूँ। कोई बात नहीं। आउटेज, जल्दी आउटेज, तेज। बधाई हो मास्टर गू, आपका शिष्य वाकई बहुत अच्छा है। मास्टर माओ, ठीक है फिर मिलते हैं।
राइकिंग, क्या तुम जीत गए? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मास्टर भी बहुत दुखी लग रहे थे। अगर तुम जीत गए हो तो भी कहाँ है वो? वो अपने रूम में है। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। चलो तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। वो बाहर आ जाएंगे जब भी उन्हें आना है। मास्टर ने बहुत अजीब रिएक्ट किया था। उनको उदास नहीं होना चाहिए था। मैंने तो फाइट जीती है। हो सकता है कि वो अपने कमरे में अकेले हंस रहे हो। सच में क्या? हाँ क्यों नहीं। चलो ये तो अच्छी बात है। फिर तो अब हम खाने चल सकते हैं। मीट बॉल्स खाएंगे और क्या। कोई बात नहीं, चलो सिलान। चलो चलो चलो। मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि तुम्हारे मुँह से खाने की बात ही नहीं सुनना चाहता मैं। इसलिए अपना मुंह बंद करो तुम। हाँ? क्या तुम सीखने के बाद वापस घर जाओगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपना बदला लूंगा। लेकिन जब बदला पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? मैं बस पत्ता हटा रहा था और कुछ नहीं। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? जॉय, आखिर ये लड़की है कौन मेरे भाई? ये लड़की इसकी फोन स्क्रीन पे भी है। ओहो ऐसी बात है। काफी सुंदर लड़की लग रही है। जॉय, जॉय, तुम यहाँ कैसे आई? अच्छा होता अगर नहीं आती। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो ये बात तुमने छुपाई। तुम यहाँ बहुत मजे कर रहे हो और मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। ये सब मेरी अपनी खुद की सोच है। शुक्रिया। पिताजी, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। नहीं, मैं नहीं। वो सिर्फ एक बार हार गया है। एक सामना ये जिंदगी भर की हार नहीं है। क्या तुम वापस आओगे? मेरे अब नए लक्ष्य हैं। क्या बॉक्सिंग करोगे या कुंग-फू? तुम्हें आखिर करना क्या है मुझे बताओगे? तुम नहीं समझोगी। मुझे माफ कर दो जॉय। बेहतर होगा इन सब में ना पड़ो। मैं तुम्हारा उधार जरूर चुकाऊंगा जिस दिन पैसे कमाऊंगा। क्या मैं पैसों के बारे में बात कर रही हूँ? मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। लेकिन मुझे परवाह है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरी जीत क्यों जरूरी है। क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। इस बार मैं उधार चुका पाऊंगा। हम दोनों को अब नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारा गर्व ये सिर्फ स्वार्थ है और कुछ नहीं। चाहे अंदरूनी शांति के कारण इतनी आसानी से डाली गई। तुम्हें आत्मिक शांति के लिए तुम्हें सबसे पहले सब कुछ संतुलित रखना होगा। समझ गए तुम? ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। हर प्रवाह की अपनी धड़कन होनी चाहिए। धड़कन। अगर तुम्हें शंका हो कल के विधि का उपयोग करने का प्रयास करो। वो जी बॉक्सिंग के खिलाफ लड़ने के लिए। Oh!
माफ करना। मास्टर गु, आपका शिष्य इतना बुरा नहीं। तो यह है उजी बॉक्सिंग, बहुत ही अच्छी है। अगला कौन है? या फिर हम सीधे मुद्दे पर ही आ जाते हैं। रुक जाओ। तो क्या तुम मास्टर हो? अगर हिम्मत है तो हरा के दिखाओ। तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आ गए। यह बहुत आसान है। मैं यहाँ क्यों हूँ ये छोड़ो, चलो कमाई के बारे में बात करते हैं। ए, बुजदिल आदमी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ कुंग फू सीखने आए हो। हमें वापस चलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को मास्टर के पास लेकर आओ। ये लो, संभाल के बैठो। दिखा। फ्यूशन टाउन अब जू कंपनी का हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो, देख लेना तुम। मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि उनका यहाँ पर्यटन शहर बनाने का प्रयास है। इसका क्या मतलब है? मास्टर गु, अगर मुझे पता होता कि वो लोग ये करना चाहते हैं तो मैं उन्हें अपना क्लब नहीं बेचता। अब हमें कोई चाहिए जो लीड कर सके। हाँ। अरे मास्टर गु, कृपया जिंग गैंग बॉक्सिंग क्लब जाकर उनकी मदद करो। मास्टर होंग खतरे में है। सारा वक्त बर्बाद कर दिया। वक्त बर्बाद करना पैसा बर्बाद करने जैसा है। तुम मेरा क्लब नहीं ले सकते जब तक तुम मेरी लाश से नहीं गुजरते। अच्छा बनने की कोशिश करो, समझे तुम? मास्टर, तो कैसे हैं आप? गु बॉक्सिंग क्लब की तरफ देखना भी मत। क्या? तो आप अभी भी क्लब चला रहे हैं? हमेशा की तरह। अब मुझे ये मत कहना कि तुम फिर से पिटना चाहते हो। मैं खुश हूं देखकर कि तुमने शागिर्दी खत्म कर दी, और अब ये मुकाबला हमारे शिष्यों के बीच का है। अगर तुम जीत गए तो गु बॉक्सिंग क्लब तुम्हारा, पर हार गए तो तुम्हें सारे कुंग फू क्लब शहर को लौटाने होंगे, सब के सब। तुम्हारे पास अभी भी शिष्य है? बहुत दिलचस्प है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आखिरी मुकाबला 3 दिन बाद होगा। मास्टर, अरे मास्टर, जल्दी करो, जल्दी उठाओ इन्हें। सुनो भाई, तुम सिलान हो,
तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम इसी शहर में पले बड़े हो, तो इसे तबाह क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये शहर और मास्टर समय से पीछे चल रहे हैं। आपने तो यहाँ पूरा ट्रेनिंग रूम बना रखा है। मेरे क्लब बंद करने के बाद मैं चला गया, सामान यहाँ छोड़ गया था। वो मेरा प्रशिक्षण का कमरा था और एक रात को तुम यहाँ वापस क्यों आए? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर वॉक करने गया था। वॉक करने? तुम जख्मी हो। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं देख नहीं सकता? शहर के आधे से ज्यादा कुंग फू क्लब मेरे पास आए हैं, तुम अब भी लड़ोगे? वो अच्छे नहीं हैं, वो हार के ही लायक हैं। तुमने गंदा पैसा कमाने के लिए गंदी बॉक्सिंग की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। आखिर तुम मुझे कब तक यहाँ रखोगे? अगर मुझे जाना है तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। हाँ ठीक है, तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम्हें लड़ना पसंद है ना? मेरे खिलाफ लड़ो। अगर तुम हार गए तो जो भी यहाँ सीखा है वो सब यहीं छोड़ कर जाओगे, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चले जाओ। तो बॉस सू आपका ही छात्र था ना? वो बहुत अच्छा कुंग फू करता था, उसने कभी शर्मिंदा नहीं किया। बस एक ही बात, वो दिखावा करता था। अपने दिल पर काबू पाना असली बॉक्सिंग है, इसलिए संतुलन बनाए रखो। मास्टर, जाय कैंग, सच कहूं तो मैं बहुत पछतावे में हूं। मैं शिष्य उनके हुनर और धैर्य पर चुनता हूं। तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं सब छोड़ दूं। बहुत साल हुए हैं, अब मुझे नहीं भागना चाहिए। गु बॉक्सिंग को अब भी वंशज की जरूरत है। मैं क्या मैं कर सकता हूं? गो बॉक्सिंग में एक कमजोरी है, इतना गहरा होने के कारण खुद को ही चोट पहुंचती है। इतने साल मैंने कमजोरी ढूंढने की काफी कोशिश की। उनका कहना था
के मास्टर अपनी चाल रखें। पहले मैंने सू के बारे में नहीं किया और आज तुम्हारे बारे में भी नहीं। कुंग फू सीखने का कारण शक्तिशाली बनना नहीं होता, वो एक विश्वास है। कमजोर नहीं और शक्तिशाली भी नहीं, ना जीतने के लिए ना हारने के लिए। हे कैंग, कल तुम वहां मत जाना। तुम्हें कैसे पता? मुझे अभी पता चला, मेरे पिताजी की कंपनी ने वहां इन्वेस्ट किया है। तुम वहां हार जाओगे, तुम्हें धोखा मिल सकता है, खतरा है वहां। लेकिन मैं जीतूंगा, शायद तुम्हारे पिता अपना मन बदल लें। सुनो कैंग, मेरे घर वालों ने फ्लाइट की टिकट निकाली है। कल मैं इंग्लैंड जा रही हूँ पढ़ाई के लिए, क्या तुम इस सब से बाहर निकल सकते हो? अगर तुम वापस आए तो मैं रुक जाऊंगी। इस बार आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगा मैं। दरअसल मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद है। अपने दिल की सुनो। ऑल द बेस्ट। क्या सारा सामान ले लिया? हाँ पिताजी। अभी भी उस पर भरोसा करती हो? उसके बारे में मत सोचो, वो नहीं कर पाएगा। अच्छा होगा कि तुम उसे छोड़ दो। मंदिर से लेकर आई हूँ। ऑल द बेस्ट तुम्हारे मैच के लिए। जाई कैंग, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर मुझे सही वक्त नहीं मिला। वैसे तुम्हें क्या कहना है मुझसे? मुझे तुम पसंद हो सिलान, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम कुछ मत बोलो, बस मेरी बात सुनो। शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, कुछ भी अच्छा नहीं था तुम में। पर उस रात मैंने तुम्हारी और मास्टर की बातें सुनी, फिर मुझे लगा कि तुमने बहुत कठिन समय देखा है। फिर मैं तुम्हें समझने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी से प्यार है, पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हें बताना था मेरी फीलिंग्स के बारे में। अब मैंने बता दिया है और मुझे अच्छा लग रहा है। कल के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है तुम ही जीतोगे। जॉय, तुम यहाँ कैसे आई? सियान कल मेरे पास आई थी, उसने सब कुछ बताया है मुझे कैंग। सुनो कैंग, आज तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट डे है। मुझे तुम्हारा हौसला बढ़ाने आना था। परंपरा के अनुसार स्टिक के बुझने से पहले वो हार जाएगा
या फिर इस दायरे के बाहर जाएगा। शुरू। शुरू करते हैं। जय गैंग, कम ऑन जय गैंग। यिन और यांग है। कुंग फू का मतलब कठिन और मुलायम है। बहुत कठिन टूट जाएगा और मुलायम झुक जाएगा। अगर तुम्हें दोनों ही एक साथ बनना है तो तुम्हें सब कुछ संतुलित रखना होगा। सब कुछ संतुलित। वो बड़ा खतरनाक था यार, लेकिन तुमने जीत लिया। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। क्या तुम ऐसे ही निकल रहे हो? अगर मुझे जाना है तो आप मुझे नहीं रोक सकते। स्टील माउंटेन मूवमेंट की कमजोर कड़ी क्या है? मैंने कभी सुना नहीं। तुम्हें लगता था तुम नजदीक जा रहे हो, पर असल में तुम दूर जा रहे हो। अगर तुम बहुत नजदीक गए तो तुम उसे ठीक से देख नहीं पाओगे। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें संतुलन बनाए रखना है।
और कब पीछे जाना है यह भी समझना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो जो तुमने बॉक्सिंग से लिया है वो मैं वापस ले लूंगा। बॉक्सिंग की प्रतिष्ठा वापस ली जाती है। शहर के सब साइनबोर्ड्स तुम्हें अपने साथ ले जाने चाहिए। बड़े भाई, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई कि दरअसल इतने साल बाद मास्टर तुम्हारी चिंता में थे। चिंता किस बात के लिए? उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उनसे कुंग फू सीखा पर वो समझ नहीं पाए। भूल ये थी कि वो कभी वापस नहीं आए। असल में अगर आप वापस आते तो आपको घर मिल जाता। आ जाओ।